नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों चर्चा करेंगे, शनिदेव अगर आठवें भाव में बैठे हैं तो आपको जिंदगी के अंदर किस तरह के परिणाम मिलेंगे, शनि की दशांतर दशा में आपको कैसे फल मिलेंगे। तो दोस्तों बहुत बेसिक तरीके से और बहुत आसानी से आपको समझाने जा रहा हूं, समझिएगा, बेसिक चीजें बताने जा रहा हूं ताकि आपको वीडियो और आसानी से समझ में आ जाए। कुंडली का जो आठवां भाव है ये त्रिक भाव माना जाता है, ये अच्छा भाव नहीं होता, पर शनिदेव यहां पर बैठ गए तो कैसा फल देंगे, तो यहां पे वो अच्छा भी फल दे सकते हैं अगर कुंडली के अंदर शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे होंगे। देखिए छठा आठवां बारवां ये भाव अच्छे नहीं होते, यहां पे कोई भी ग्रह बैठ जाता है वो अपना बेकार ही फल देता है दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा के अंदर। अब शनिदेव यहां पे राजयोग बनाएंगे सिर्फ एक कंडीशन में, विपरीत राजयोग की कंडीशन बन रही हो, चाहे शनिदेव लग्नेश ही क्यों ना हो, 10 और 11 मकर और कुंभ लगन हो, शनिदेव बैठे हो आठवें भाव पे, माफ कीजिए आठवें भाव में शनिदेव का रिजल्ट मैं बता रहा हूं, तो कैसे फल देंगे, तो लग्नेश होके भी अगर वो बैठे हैं तो भी आपको बुरा फल मिलेगा। शनिदेव की दशा अंतर दशा के अंदर हालांकि लग्नेश होके बैठे हैं और त्रिक भाव में शनिदेव को नकारात्मक फल यानी त्रिक भाव का दोष कम लगता है, तो उनके नकारात्मक फल में जरूर कमी मिल जाएगी, पर हां फल अच्छे नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ दिक्कत आपको जरूर मिलेगी। आप समझ लीजिए शनि को जो कि दुख के, अंधकार के, परिश्रम के, कर्म के कारक है, आठवां भाव कष्ट का, बाधा का, ऑब्स्टेकल का, दुर्घटना का, बीमारी का। अब उनकी 3, 7, 10 दृष्टि होती है, पहली दृष्टि गई कर्म भाव पे, तो यहां पे 10वां भाव किस चीज का, पहली दृष्टि, क्योंकि उनकी 3 दृष्टि होती है, जहां बैठे वहां का फल देंगे, जहां दृष्टि डाल रहे हैं वहां का फल देंगे, 3री, 7वीं और 10वीं। तो पहली दृष्टि जहां डाली 10वें भाव पे, ये होता है कर्म भाव, आपके कर्म का, समाज में मान सम्मान का, नौकरी का, व्यवसाय का, और साथ साथ आपके प्रतिष्ठा का। अब दूसरी दृष्टि डाली दूसरे भाव पे, यहां से कुटुंब सुख, परिवार कुटुंब, आर्थिक स्थिति, धन, वाणी, दूसरे भाव से पता करते हैं। तीसरा दृष्टि जा रही है उनके पंचम भाव पे, संतान का, अनसर्टेन गेन का, पढ़ाई का, बुद्धि का, मौज मस्ती का, लव रोमांस का। पांचवा भाव साथ साथ सट्टा म्यूचुअल फंड, कहां से देखेंगे, पांचवे भाव से। तो शनिदेव यहां पे बैठे हैं आठवें भाव पे, पहली दृष्टि 10वें भाव पे, दूसरी दृष्टि दूसरे भाव पे, तीसरी दृष्टि पंचम भाव पे, तो जहां बैठे वहां के फल देंगे और जहां दृष्टि डाल लें वहां के फल देंगे। तो कुंडली के अंदर अगर अच्छे हैं तो अच्छे फल देंगे, खराब हैं तो आपको नकारात्मक फल देंगे। तो ज्यादातर यहां पे बैठ के विपरीत राजयोग नहीं बनता, तो मैं बताता हूं आपको नकारात्मक फल कैसे हो सकते हैं। देखिए ऑब्स्टेकल तो जरूर आएगी लाइफ में, शनिदेव यहां पे बैठे हैं तो ऑब्स्टेकल तो जरूर आएगी। हालांकि शनिदेव आठवें भाव में बैठे हैं तो जहां तक की आयु बहुत अच्छी होती है, दीर्घायु, आयु में कभी नहीं होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा। दृष्टि डालेंगे कर्म को बिगाड़ देंगे, जहां तक के जो कर्म होंगे समाज में वो खराब होंगे, नौकरी में दिक्कत होगी, व्यवसाय में दिक्कत होगी, लाइफ में, नौकरी में, व्यवसाय में अप्स डाउन चलता रहेगा, कुटुंब से लड़ाई झगड़े कर देंगे, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, पैसों का, धन का अभाव होगा जहां तक को, वाणी भी ऐसी बोल देंगे कि जिससे कुटुंब से लड़ाई या अपनी वाणी से काम बिगाड़ लेने वाले होंगे। संतान की दृष्टि से दिक्कत होगी, पहली पुत्री होने का योग बनाएंगे, संतान की तरफ से ज्यादा दुखी या लेट, पढ़ाई में रुकावटें, बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं करना, अनसर्टेन गेन में कमी, इस तरह के जातक को फल मिलेंगे। और यहीं पे अगर कुंडली के अंदर वो विपरीत राजयोग बना रहे होंगे तो जातक को अच्छा फल मिलेगा, सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट मिलेगा, या फिर वो चलित कुंडली के अंदर, देखिए दोस्तों एक तो कंडीशन हुई विपरीत राजयोग की, दूसरी चलित कुंडली की, अगर लगन कुंडली के अंदर वो आठवें भाव में है पर चलित में वो 7वें या 9वें भाव में शिफ्ट हो जाए, तो फिर यहां पे शनिदेव अपना फल जो होगा 7वें या 9वें यानी जिस भाव में बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग देंगे, फिर 8वें का दोष शनिदेव को नहीं लगेगा, त्रिक भाव का दोष नहीं लगेगा। और अगर विपरीत राजयोग बना रहा है तो विपरीत राजयोग की कंडीशन ये है दोस्तों, अगर ये 6, 8, 12 इसमें 10 या 11 छठे भाव में 10 या 11, 8वें भाव में 10 या 11, 12वें भाव में 10 या 11 उनकी कोई एक राशि हो, यानी मकर या कुंभ उनकी कोई एक राशि हो और शनिदेव 8वें भाव में हो और लग्नेश पहले भाव के स्वामी मजबूत हो, तो यहां पे वो विपरीत राजयोग बना देंगे। इनिशियल स्टेज पे दिक्कत होने के बाद जातक इनिशियल स्टेज पे दिक्कत करेगा, फिर अपने संघर्ष से जिंदगी के अंदर तमाम सुख प्राप्त करेगा, बाधा को पार कर देगा, धनवान होगा, धन का सुख होगा, कुटुंब से लाभ होगा, जातक की वाणी प्रभावशाली होगी, संतान सुख होगा, संतान की दृष्टि से अच्छा होगा, जातक बुद्धि का सही इस्तेमाल करेगा और जातक को साथ ही साथ यहां पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं व्यवसाय में, नौकरी में भी सुख मिलेगा, जातक कर्मवान होगा, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, कब, अगर यहां पे विपरीत राजयोग बना रहा हो, या फिर शनिदेव अगर
यहाँ पे बैठे हैं और चलित कुंडली में सातवें या नौवें में शिफ्ट हो जाएं, तो फिर वो आठवें भाव के फल नहीं देंगे, बल्कि जिस भाव में शिफ्ट हुए हैं चलित कुंडली में उसके प्रभाव देंगे। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।